हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टुम्पस किचन एंड ब्लॉग। तो आप सभी को गुड नाइट। होने से पहले डिनर का दिखा देते हैं। तो चलिए देखिए क्या है। बंगाली फेमस मटन कौशा और बासंती पुलाव तो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो सोचा घर में बना लेते हैं और आपको ये रेसिपी दिखा देते हैं। देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है मटन कौशा। देखिए ढक दिए हैं, इसको सिम कर देंगे, अच्छे से होगा। देखिए अभी ढक्कन खोल के दिखा रही हूँ, कितना सुंदर ऑयल निकल गया है। देख के मुँह में पानी आ रहा है क्या। तो चलो अभी मैं पूरा रेसिपी दिखाऊंगी। उससे पहले आप लोगों को एक काम करना होगा, क्या चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर करना होगा। तो बंगाली स्टाइल और बंगाली का बहुत फेमस है। देखिए हो गया है, ये देखिए कड़ी, देखिए इसका मुंह में पानी आ रहा है ना देख के ही, तो मेरा भी आ गया। तो थोड़ा सा मैं आपको खाना खा के दिखा देती हूँ। तो आज का डिनर हमारा है बासंती पुलाव और मटन कौशा बंगाली स्टाइल। बंगाली का बहुत फेमस है मटन कौशा और बासंती पुलाव। रेसिपी चाहिए तो देखिए दिखा देंगे। तो पहले मैं खा लेती हूँ। देखिए तो खाना खाने के बाद आइसक्रीम तो बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों का तो डिनर हो गया है, तो डिनर के बाद एक आइसक्रीम तो बनता है यार। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, देख के चले मत जाना। तो चलो अभी भी बाकी है पिक्चर, तो देख लो ऑनियन को काटेंगे। काट के इसके बाद मटन धो लेंगे। धोने के बाद मटन को मैरिनेट करेंगे। तो अच्छे से ऑनियन ऐसा काट लेना छोटा छोटा करके, फ्राई करने के लिए बिठा देंगे। फ्राई करने से पहले सूखा मिर्च, तेज पत्ता और लौंग इलायची और दालचीनी देकर फ्राई कर रहे हैं अच्छे से ऑनियन को। तो देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है, हो गया ना। तो मटन जो मैरिनेट किया था वो डाल दिए हैं। तो मैरिनेट देखना है, देख लीजिए। लंका मिर्च सब डाल के दही डाल के मैश कर लिया। एक कप चावल ले लिया और उसमें पानी डाल दिया, और चावल को मैंने भिगो के रखे थे, उसमें जावित्री, अदरक और हल्दी पाउडर और नमक से इसको भी मैरिनेट करके रख दिए थे। तो